10 सालों में 4 बार राज्यपाल शासन और वो भी एक ही राज्यपाल के दौर। यह रिकॉर्ड सिर्फ एनएन वोहरा के नाम ही है, लेकिन अब 28 जून को वोहरा रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल कौन होगा, ये एक पहेली की तरह है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि मोदी किसी भरोसेमंद को ही जम्मू कश्मीर भेजेंगे। दूसरी तरफ कयास ये भी है कि एनएन वोहरा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, पर इसकी संभावना बहुत कम है। सभी राजनीतिक दलों से अपने काम के बल पर तारीफ पा चुके एनएन वोहरा अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ऐसे में वोहरा की जगह 3 नामों पर चर्चा सरगर्मी से है। पहला नाम है दिनेश्वर शर्मा का। दिनेश्वर शर्मा एक नौकरशाह रह चुके हैं। साल 2016 में आईबी चीफ के पद से रिटायर हुए। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने उन्हें वार्ताकार नियुक्त किया था। शर्मा केरल से 1976 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। दूसरा नाम है पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग का। इस नाम पर चर्चा इसलिए भी और गंभीर हो जाती है क्योंकि एनएन वोहरा से पहले पूर्व सेना प्रमुख एसके सिन्हा ही राज्यपाल थे और दलबीर सिंह सुहाग भी सेना प्रमुख रह चुके हैं। हाल ही में 29 मई को दलबीर सिंह सुहाग से अमित शाह ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत मुलाकात की थी। तीसरा नाम है पूर्व लेफ्टिनेंट हुडा का। 1956 में जन्मे हुडा को कश्मीर मामले में विशेषज्ञ माना जाता रहा है। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का हीरो भी माना जाता है। उन्होंने नगरोटा में जनरल ऑफिसर कमांडिंग और उत्तरी कमान में कमांडिंग इन चीफ की भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी वो कमांडिंग इन चीफ रहे थे।